माइलेज इंक्रीजर साइलेंसर। ऊर्जा, ऊर्जा शब्द शुरू से ही मुझे बहुत पसंद रहा है। जब मैं गाड़ियों के साइलेंसर को छूता था तब बहुत ही गर्मी का एहसास होता था। ये वही एनर्जी है जो साइलेंसर में धुएं के रूप में निकलती है। मैंने इसी एनर्जी को पकड़ा और एक साइलेंसर का डिज़ाइन देखा। तो ये है माइलेज इंक्रीजर साइलेंसर। इसका बेसिक प्रिंसिपल है हीट एक्सटेंशन, आइडियल गैस लॉ। इसका अगर ठीक उल्टा किया जाए कि अगर उसे प्लस 235 डिग्री पर रखा जाए तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। तो उसी प्रिंसिपल को लेके मैंने अपना साइलेंसर डिज़ाइन किया। ये है हमारा साइलेंसर। इसके तीन मुख्य भाग हैं, हीटिंग सेक्शन, मेन साइलेंट चैम्बर और डिवाइड चैम्बर। जैसे ही वहाँ से जो गैस आती है वो सबसे पहले हीटिंग सेक्शन में पहुँचती है। हीटिंग सेक्शन में वो हीटिंग कॉइल्स को हीटअप करती है और उसमें जो एयर होती है वो भी हीटअप होती है और वो जो गर्म हवा है वो यहाँ से इंटेक फ्यूल इंटेक चैम्बर यानी कार्बोरेटर में जाती है। कार्बोरेटर से उसमें जो फ्यूल है वो उसके साथ मिक्स होकर इग्निशन के लिए चली जाती है। इस प्रोसेस में जो साइलेंसर का वर्क है वो फ्यूल को एक्स्ट्रा हीटअप करना है, इससे जो इग्निशन एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से हमारा माइलेज बढ़ता है। ऑर्डिनरी साइलेंसर और इस साइलेंसर का कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो करीबन 11 से 28 फीसदी तक निकल सकता है। इट मींस इस साइलेंसर को हर इंटरनल कंबर्शन जो इंजन होता है उस इंजन के साथ में इसको यूज़ किया जा सकता है। न मंजिल है, न ठिकाना है, न राहें हैं, न रह गुजर, निकल पड़े हैं हम राही के साथ, के मंजिल कभी तो आएगी नज़र। That's my